हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अदितिस किचन में। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही डिफरेंट डिलीशियस रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनके तैयार होगी, जो आपके किचन में आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अचारी परवल। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम परवल लिए हैं और 5-6 आलू लिए हैं। और परवल और आलू को बीच से स्प्लिट कर लेंगे, परवल के अंदर के बीज सारे निकाल लेंगे। स्टफिंग के लिए मैंने एक प्याज लिया है, 12 से 15 कलियां लहसुन की, 2 मिर्ची और 1 टेबलस्पून अचार लिया है। उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। पेस्ट में 1 चम्मच हल्दी मिलाएंगे, 1 चम्मच नमक मिलाएंगे, 2 चम्मच हम धनिया पाउडर मिलाएंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स हो गया है। अब हम इसको परवल में इस तरीके से स्टफ कर लेंगे। इसी तरीके से सारे परवल हम स्टफ कर लेंगे। और आलू में भी इसी तरीके से हम स्टफ कर लेंगे। ये देखिए सारे मसाले हमने स्टफ कर लिए हैं। अब हम एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और मैंने तेल गर्म होने के बाद मैंने सारे परवल और आलू इस तरीके से रख दिए हैं। ये देखिए इस तरीके से रखने हैं। इस तरीके से हम इनको पकाएंगे। मैंने सारे परवल आलू रख दिए और इसको मैंने ढक दिया है। 5 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। अब हम धीरे धीरे एक करके फ्लिप करते जाएंगे। इस तरीके से फ्लिप करेंगे ताकि हमारे मसाले ना निकले। इस तरीके से हमने सारे फ्लिप कर दिए हैं। अब इसको हम ढक के 10 से 12 मिनट पकाएंगे। उसके बाद से फिर हम इसको ढक्कन हटा के इसको फ्लिप करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे परवल पक चुके हैं। जिस तरफ से नहीं पके उस तरफ हम इसको पलटते जाएंगे। इस तरीके से हमने पलट दिए हैं। फिर से हम इसको ढक के 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट बाद फिर मैंने इसको ढक्कन हटा के इसको पलट दिए हैं। ये देखिए ये ऑलमोस्ट पक चुके हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसको हम 2 से 3 मिनट ऐसे ही खुला पकाएंगे और इसको पलटते जाएंगे। परवल सारे पक चुके हैं। ये देखिए सारे परवल पक चुके हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये कैसी बनी है।
ये देखिए पूरी तरीके से भून चुके हैं। अब हम इसको प्लेटिंग करेंगे। एक प्लेट में मैंने सर्व कर लिया है इस तरीके से। अगर ये आपको रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके।